Hello students, I am Gurvinder Kaur, senior faculty at Abhimanyu IAS. A very warm welcome all of you in this session. और आज हम PYQ कर रहे हैं student, और ये हमारा session 17 है, और ये last session है student 2015 examination का, right? तो 2015 के remaining question हम start करते हैं यहाँ पे, और question number है 81 student. So please read it carefully, right? ध्यान से पढ़ने स्टूडेंट. क्वेश्चन आपको लगेगा कि हाँ जी मे बी आपको आपने कॉन्सेप्ट ना पढ़ा हो, बट फिर भी आप क्वेश्चन कर ले जाओगे अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है? बिकॉज होता क्या है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो हमारी डेली लाइफ से जुड़े होते हैं, राइट? तो ऐसे क्वेश्चन को ना कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और ना ही पेपर में कभी छोड़ो, ठीक है? क्वेश्चन पढ़ो, आपके सामने है स्क्रीन पे. कहता है ड्यू टू इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ यूज ऑफ कंप्यूटर और देयर पार्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलीज्ड इनटू एनवायरनमेंट. हम सब लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, राइट? हम सब लोग यू नो अपने अलग अलग पार्ट्स हैं मोबाइल के, राइट? हर चीज यूज करते हैं हम, राइट? उससे क्या चीज रिलीज होती है एनवायरनमेंट के अंदर अगर हम उसको इम्प्रॉपरली उसको हम यू नो ऐसी फेंक दें, इम्प्रॉपरली उसको हम डिस्पोज ना करें. फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास फोन है और उसकी बैटरी खराब हो गई और आपने बैटरी निकाली और उसको ऐसी फेंक दी, राइट? कूड़ेदान में भी नहीं फेंकी आपने उसको, कहीं पे भी डिस्पोज नहीं की, जस्ट ऐसे ही आपने उसको रेंडमली कहीं पे भी फेंक दिया, ठीक है? होगा क्या, धीरे धीरे सनलाइट की वजह से, राइट, धीरे धीरे क्या होगा, जो बैटरी के अंदर का मटीरियल है वो एक्सपोज हो जाएगा, एंड यू डोंट नो कि वो किस चीज से बनी है, कौन सी एलिमेंट से बनी है, क्या मटीरियल है उसके अंदर, क्या वो रेडियो एक्टिव किसी एलिमेंट से बनी है या कोई ऐसी रिएक्टिव एलिमेंट से बनी हुई है कि अगर मान लो वो किसी वाटर सोर्स में जाके गिर जाए और वो उसके अंदर मिक्स हो जाए, तो हो सकता है कि जब उसको कोई पिए, कोई भी, राइट, बर्ड, एनिमल या हम ह्यूमन बीइंग भी इवन अगर उसको कंज्यूम कर ले, तो उसके अंदर अगर वो केमिकल चला जाएगा तो हो सकता है उसकी बॉडी के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, राइट? क्योंकि हर चीज तो हम खा नहीं सकते, राइट? हर एक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर जितनी भी एलिमेंट्स हैं, हर चीज को तो हम कंज्यूम नहीं कर सकते ना, हर एक एलिमेंट को, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, राइट? नॉट बेनिफिशियल, राइट? सो इसमें से कौन कौन सी है उसके बारे में पूछा है. फर्स्ट ऑप्शन कहता है बेरिलियम एंड कैडमियम, एंड सेकेंड ऑप्शन है क्रोमियम एंड मर्करी, थर्ड इज लेड. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑल द अबव. सारी हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? आपने देखा होगा आपकी बैटरीज में लेड भी होता है, राइट? क्रोमियम, मर्करी, ब्रेलियम, राइट, कैडमियम, हर एक एलिमेंट उसमें यूज होती है, राइट? ठीक है जी, लेट्स मूव फर्दर. हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 82 पढ़िए स्टूडेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, ठीक है? वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट, बट फिर भी अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं भी पढ़ी होगी ना, मुझे लगता है फिर भी आप कर ले जाओगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को, क्योंकि ना थोड़ी बहुत हिस्ट्रीज हमारे 10th क्लास तक थोड़ी थोड़ी मतलब हमारे हम रिकॉल कर पाते उस चीज को कि हाँ यार ऐसा सा कुछ हुआ था, है ना? ठीक है. कहता है विच फैक्टर मोस्ट इनेबल्ड जापान, जापान के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, टू रीबिल्ड एंड मॉडर्नाइज रैपिडली आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू. यू नो दैट कि जापान के ऊपर वर्ल्ड वॉर टू में लास्ट में क्या हुआ था स्टूडेंट, उसके ऊपर एटॉमिक बॉम्ब आ जाता है, गिर जाता है, ठीक है? और दो सिटीज मेन जो होती हैं हिरोशिमा और नागासाकी, उनके ऊपर एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से पूरा जापान जो है वो बस विद इन मिनट्स जो है वो सरेंडर कर देता है. हालांकि रियलिटी ये है स्टूडेंट कि वो पहले ही सरेंडर कर चुका होता है ना, बस अमेरिका को वर्ल्ड पावर बनना था और उसको ये शो करना था पूरी दुनिया में कि आई एम द सुपर पावर, वो इसलिए दो एटॉमिक बॉम्ब जो है वो यूज करता है अगेंस्ट जापान, ठीक है? बट फिर भी जापान जो है, अगर आप आज देखो जापान को, तो अभी आप पीछे से ओलंपिक्स हुए थे जापान के अंदर, राइट? आपने देखा ही होगा कि जापान जो है वो इतना मॉडर्नाइज यू नो कंट्री है कि आपको बिलीव नहीं होगा, वहाँ पे ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है, मुझे लगता है कि इंडिया में आने आते आते उसको 50 साल लग जाएंगे, ऐसा बिलीव किया जाता है, इवन माना भी जाता है कि जापान जो है वो दुनिया से 30-40-50 ईयर आगे चल रहा है, राइट? वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरीके से यू नो उसकी एफिशिएंसी है, जिस तरीके से वहाँ की लोगों की प्रोडक्टिविटी है, तो कहते हैं कि वहाँ तक जाने में बाकी जो कंट्रीज हैं उनको शायद मे बी 50 ईयर्स लग जाए. तो क्यों बन जाता है, किस लिए बन जाता है, इस बात पे यू नो क्वेश्चन आया हुआ है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है. पहला कहता है कि वास्ट मिनरल रिजर्व,
अगर आप जापान को ध्यान से मैप के अंदर देखो तो इट इज जस्ट लाइक अ यू नो लार्ज आइलैंड, ठीक है, एक बड़ा मतलब बहुत कम लैंड है उसके पास, तो वास्ट मिनरल रिजर्व तो नहीं हो सकते अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे। लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टाइल लैंड नहीं, इंडिया की तरह कोई बहुत बड़ी कंट्री तो है नहीं वो, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री नहीं, 1945 के बाद इवन जापान जो है वो अपनी मिलिट्री बना ही नहीं पाई, ठीक है। तो डी ऑप्शन बनता है ए वेल ट्रेन्ड वर्कफोर्स, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। किसी भी कंट्री को अगर आपको डेवलप करना है तो वहां पे वेल ट्रेन्ड वर्कफोर्स होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो इंडिया में इतना सारा यूथ है, राइट, अगर आप इंडिया के यूथ की आप देखो तो आपको क्या लगता है, एम्प्लॉयमेंट की कमी है? नहीं, एम्प्लॉयमेंट की इतनी कमी नहीं है जितनी ज्यादा स्किल की कमी है, जितनी ज्यादा वेल ट्रेन्ड वर्कफोर्स की कमी है, ठीक है। हमारे यहाँ पे इंजीनियर्स पढ़ तो लेते हैं, बीटेक वाले बीटेक करके घूम रहे हैं, ठीक है, एमबीए वाले एमबीए ने कर लिया, ठीक है, लेकिन उसका एक प्रैक्टिकल यू नो यूज नहीं है, वो नहीं कर पाते उस चीज को। पढ़ तो लिया, हर चीज पढ़ ली, ठीक है, एक्सपेरिमेंट की जगह पे एक्सपेरिमेंट कर लिया, ट्रेनिंग की जगह पे ट्रेनिंग कर ली, बट जब आगे जाके वो कंपनीज में जो रिक्वायरमेंट है वो उसको फुलफिल नहीं कर पाते। दिस इज द बिगेस्ट यू नो आई थिंक सो लैक है एक इंडियन एजुकेशन के अंदर, राइट। सो दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इज डी, ठीक है जी। ओके ओके, लेट्स मूव फर्दर। हाँ जी, तो 83 नंबर क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट यहाँ पे फटाफट से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडियन एंडेंजर्ड फ्यूना, इंडियन एंडेंजर्ड फ्यूना की बात की है स्टूडेंट, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है यहाँ पे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है गैंगेटिक डॉल्फिन, सेकेंड है बलीन वेल, थर्ड ऑप्शन है वाइल्ड डॉग्स, और फोर्थ है ऑल दीज। हाँ जी बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, फटाफट से पॉज लो स्टूडेंट एक, फिर आंसर करो। हाँ जी, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल दीज, ठीक है। गैंगेटिक डॉल्फिन, बेलिन वेल्स, वाइल्ड डॉग, सारे जो हैं वो क्या है, एंडेंजर्ड फ्यूना है, किसके अंदर, इंडिया के अंदर, ठीक है जी। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स मूव 84 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो स्टूडेंट कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको आप यू नो कभी इग्नोर ना ही करो तो बेटर है, जैसे कि इन्वायरमेंट में लाइक नेशनल पार्क हो गए, बायोडाइवर्सिटीज होगी हमारी, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, राइट, क्लाइमेटिक के ऊपर जो भी कन्वेंशंस हैं वो होगी हमारी, लाइक क्योटो प्रोटोकॉल, अर्थ ऑब्जर्वेशन, राइट, अर्थ समिट, सॉरी, राइट। तो ये सब चीजें जो होती है ना इनको आप इग्नोर मत किया करो एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से ना क्वेश्चन बनना बहुत यू नो इम्पॉर्टेंट भी है और एग्जामिनर के लिए बहुत आसान भी है, और यहाँ से क्वेश्चन बन गया और फिर आपने अटेम्प्ट नहीं किया या गलत कर दिया, फिर तो आप समझिए कि आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं ना, आप डिजर्व नहीं करते, राइट। तो ना ऐसी कुछ चीजें हैं स्टूडेंट जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे अभी पॉलिटी है, पॉलिटी में आप फंडामेंटल राइट नहीं पढ़ के गए, है ना, सेलेंट फीचर्स नहीं पढ़े आपने, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं पढ़ी, डीपीएसपी नहीं पढ़े, तो आपको लगता है कि आप एग्जाम में आप जो है वो बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे या आप क्लियर ही कर जाओगे? नहीं, क्योंकि कुछ बेसिक चीजें हैं स्टूडेंट जो कॉम्पिटिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जामिनर हर साल हमेशा ही वो क्वेश्चन उठाता ही उठाता है वहां से, राइट, ठीक है। तो 84 नंबर क्वेश्चन है, कहता है साइलेंट वैली के बारे में यहाँ पे इसने बात की है, द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज सिचुएटेड ऑन व्हाट, ठीक है। अगर आप ये देखो ना, अगर आपने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी पढ़े होंगे ना तो भी आप क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है। पहला वो बोलता है मुंबई, फिर दूसरा बोलता है उत्तराखंड, तीसरा केरला, चौथा हमारे कर्नाटका, तो कहाँ पे है हमारी साइलेंट वैली, इट इज ऑन केरला, ये केरला के अंदर प्रेजेंट है स्टूडेंट हमारी साइलेंट वैली, ओके जी, ठीक है, ठीक है जी। तो 85 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। हाँ जी, कहता है फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ व्हाट, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कब ऐड की, ठीक है, और किसकी रिकमेंडेशन पे की, ये पॉलिटी का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, फटाफट से अटेम्प्ट कीजिए। हाँ जी, तो दैट इज बाय स्वर्ण सिंह कमेटी,
स्वर्ण सिंह कमेटी से स्टूडेंट जिन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, राइट। तो स्टूडेंट अब आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि फंडामेंटल ड्यूटी हमने किस कंट्री से बोरो किए, ठीक है, किस कंट्री को हमने फॉलो करके हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज को इंसर्ट किया, ठीक है, और कब किया था ये भी आप बताना मुझे, ठीक है, कब किया था फंडामेंटल ड्यूटी को हमने इंसर्ट, बाद में किया, पहले किया, ठीक है, अभी किया, कब किया, ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। कमेंट आप करते ही नहीं हो, पता नहीं क्या दिक्कत है आपको, ठीक है, कमेंट किया करो स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। हाँ जी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया द लोकल पीपल इज आर नॉट अलाउड टू कलेक्ट द बायोमास, ठीक है, ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे लोकल लोगों को अलाउ नहीं किया जाता कि आप कुछ कलेक्ट कर सको वहाँ पे, कोई बायोमास लाइक पत्ते हो गए या फल फ्रूट हो गया, कुछ भी हो गया, कहते हैं आप वहाँ से कलेक्ट ही नहीं कर सकते, ऐसा कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है, जहाँ से लोकल जो लोग हैं वहाँ पे वो एंटर करके इवन वहाँ तक वेजिटेशन को भी वो कलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, इतना ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई उस एरिया को, तो बताइए, बायोस्फीयर रिजर्व नहीं, नेशनल पार्क, वेटलैंड, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो करेक्ट ऑप्शन इज नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क है जहाँ पे बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल बनाए गए हैं नेशनल पार्क को लेकर, ठीक है जी, ओके स्टूडेंट। हाँ जी, तो 87 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। कहता था दिनेश गोस्वामी कमेटी वाज कंसर्न्ड विद व्हाट, दिनेश गोस्वामी कमेटी के बारे में क्वेश्चन है। अच्छा स्टूडेंट, एक बात आप याद रखो, जो दिनेश गोस्वामी की कमेटी है ना, इसके ऊपर मैंने बड़े क्वेश्चन देखे, ठीक है, तो दिनेश गोस्वामी कमेटी ना आप ऐसे करना स्टूडेंट, एक बार ना नेट से डाउनलोड करके इसको पढ़ जरूर लेना। आई नो इसमें कमेटी में ना इसकी रिपोर्ट में इतना कुछ लिखा हुआ है ना कि शायद मे भी आप ना समझ पाओ, या फिर आपको लगे कि अरे यार मैम ने कितना बड़ा सारा चार्ट बोल दिया पढ़ने के लिए, है ना। नहीं, मैं आपसे ये कहूँगी कि उसकी ना इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट जरूर बताना कि उसने कौन कौन सी उसके अंदर ना इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट ना कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं हाईलाइट करके, आप उसको जरूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि ना दिनेश गोस्वामी कमेटी पे ना मैंने देखा है अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, लाइक पीछे से भी जो हमारा ईपीएफओ का एग्जाम हो उसमें भी दिनेश गोस्वामी कमेटी के बारे में पूछा, और भी मैंने स्टेट पीसीएस यूपीएससी इनमें भी मैंने ना दिनेश गोस्वामी कमेटी पे क्वेश्चन देखे हैं, तो आप इस पर थोड़ा सा ना ध्यान जरूर दे लेना, ठीक है, ज़्यादा नहीं मैं कह रही कि बहुत सारे पॉइंट जो आप रट्टे लो, बट एक बार के लिए देख लो, क्या पता है जब आप एग्जाम में बैठे और आपके सामने क्वेश्चन आ जाए और आप उसको कर ले जाओ, है ना, कि यार ये तो मैंने फलानी फलानी कमेटी में थोड़ा देखा था, ठीक है, तो उस टाइम पे थोड़ा हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या पता उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर ही ले, तो आप थोड़ी एज ले सकते हो ऐसे क्वेश्चन से, ठीक है, आप मैंने बता दिए तो आप पढ़ भी सकते हो इवन कि हाँ जी चलो मैम ने बोला है तो पढ़ लेते हैं, ठीक है, ओके ओके। तो हाँ जी, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए 87। कहता है डी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, दूसरा ऑप्शन बोलता है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, तीसरा बोलता है एंटी डिफेक्शन मेजर्स, और फोर्थ है हायर एजुकेशन। तो इसने जो है कंसर्न रेज किया था स्टूडेंट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर, ठीक है, तो दिनेश गोस्वामी कमेटी वाज कंसर्न विद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ओके बच्चे आगे मूव करते हैं। हाँ जी, तो 88 नंबर क्वेश्चन पढ़ो यहाँ पे स्टूडेंट आप। कहता था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन ए मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट व्हाट, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये भी आपकी पॉलिटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, तो 88 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। कहता है सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकता है लॉ या फैक्ट पे, कब, ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव, भी मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने आप ही दे देगा उसको एडवाइस की तुम ऐसे ऐसे करके कर लो। दूसरा बोलता ओनली इफ ही सीक्स सच एडवाइस, कहता है अगर प्रेसिडेंट मांगे सुप्रीम कोर्ट से तब वो एडवाइस देगा। तीसरा है ओनली इफ द मैटर रिलेट्स टू द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन, कहता है अगर मैटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट पे होगा तभी सुप्रीम कोर्ट देगा। फोर्थ ऑप्शन है ओनली इफ द इशू पोजेस ए थ्रेट टू द यूनिटी
एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री. अगर मान लो कोई ऐसा इशू है जो पॉज कर रहा है थ्रेट यूनिटी और इंटीग्रिटी का कंट्री का, ठीक है, तब सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को. तो चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट बी, ओनली इफ ही सीक्स सच एडवाइस. अगर प्रेसिडेंट एडवाइस मांग रहा है किससे, सुप्रीम कोर्ट से, कि हाँ जी आप मुझे इस मैटर पे, इस फैक्ट पे, इस लॉ पे आप मुझे एडवाइस दीजिए, तब जो है वो एडवाइस देगा कौन, सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, ना तो वो खुद से देगा, ना वो फंडामेंटल राइट्स पे देगा सिर्फ, ना फिर वो इंटीग्रिटी पे देगा. वो तभी देगा जब सुप्रीम कोर्ट मांगेगा कि हाँ जी, सॉरी, प्रेसिडेंट मांगेगा कि हाँ जी सुप्रीम कोर्ट आप मुझे इस पे एडवाइस दीजिए, इस लॉ पे या फैक्ट पे, कि इस पे हमें क्या स्टेप उठाना चाहिए. ठीक है जी, ओके. तो 89 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं. हाँ जी, कहता द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर. तो इस पे क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर. तो आगे आप पढ़िए ऑप्शन को और फिर आंसर कीजिए. पॉज लीजिए स्टूडेंट यहाँ पे फटाफट से. अच्छा, तो इसने पूछा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जब स्टार्टिंग में स्टूडेंट 1946 के अंदर जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उस टाइम पे स्टूडेंट जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना, तो वहाँ के जो मेंबर थे उनको किसने इलेक्ट किया था. ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है स्टूडेंट, इलेक्टेड बाई लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस. जो हमारे उस टाइम पे ना स्टेट्स को प्रोविंसेस बोला जाता था स्टूडेंट, इवन आज भी पाकिस्तान के अंदर प्रोविंसेस है ना कि स्टेट है, हमारे यहाँ पे स्टेट है, तो बात एक ही है. तो इसने इलेक्टेड बाय डिफरेंट डिफरेंट जितने भी हमारे स्टेट्स थे, मैं यहाँ पे वर्ड स्टेट ही यूज कर लेती हूँ यहाँ पे प्रोविंसेस की जगह पे, जितने भी स्टेट्स थे स्टूडेंट उनकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने क्या किया था स्टूडेंट, इलेक्ट किया था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी ड्राफ्ट असेंबली थी उसको. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, उसको बनाया किसने था, उसको बनाया था, उसको इलेक्ट किया था लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस स्टेट्स या फिर प्रोविंसेस. बात का एक ही है. ठीक है, 89 का हमारे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन आ गया स्टूडेंट, सी ऑप्शन आ गया. ठीक है, ओके जी. हाँ जी, तो आप 90 नंबर क्वेश्चन पढ़ो. कहता है द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब हैविंग द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी. पंजाब पे क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो आप बताइए यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन का अटेम्प्ट कीजिए, आंसर करो. हाँ जी, तो लोवेस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन है स्टूडेंट मुक्तसर के अंदर, मुक्तसर साहिब के अंदर स्टूडेंट लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है पूरे पंजाब में. ठीक है जो, तो 90 क्वेश्चन का बना हमारे पास सी ऑप्शन. हाँ जी, तो 90 आगे सारे मेरे हिसाब से तो हमारे पंजाब जीके से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं. हाँ जी, तो आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 91. पंजाब शेयर्स रफली फिलिंग द ब्लैंक्स किलोमीटर ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर. आपको भी पता है कि पंजाब जो है वो पाकिस्तान के साथ एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, कितने किलोमीटर का करता है ये आप मुझे बताइए. तो कितने किलोमीटर का करता है, 500 553. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट 553 किलोमीटर का जो एरिया है, किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है कौन, पंजाब. ठीक है, ठीक है जी. हाँ जी, तो नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट से पढ़ो क्वेश्चन को. कहता है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स हिस्ट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ व्हाट. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट. हाँ जी, तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग हिस्ट्री क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग हिस्ट्री है स्टूडेंट स्ट्रगल बिटवीन क्लासेस इन द सोसाइटी. इसका कहना, कार्ल मार्क्स जो थे ना वो सोशलिज्म को प्रमोट किया उन्होंने. ठीक है, उन्होंने क्लासेस की यहाँ पे बात की थी कि सोसाइटी जो है वो डिवाइड है क्लास के अंदर, अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पुअर से भी नीचे मार्जिनलाइज क्लास. तो ऐसे करके आपको भी पता ही है ना सोसाइटी के अंदर इस तरीके से क्लास डिवाइड है. ठीक है, तो उसने बोला कि हिस्ट्री का रिकॉर्ड है स्ट्रगल है बिटवीन क्लास इन द सोसाइटी. ठीक है, स्ट्रगल होता है आपको भी पता है जो कैपिटलिस्ट हैं, राइट, जो यू नो अपर, हमारी अपर रिच क्लास है, राइट,
उनका स्ट्रगल रहता है हमेशा ही किसके साथ, मिडल और पुअर लोगों के साथ जो इम्प्लॉयज हैं, ठीक है, तो स्ट्रगल बिटवीन क्लास इन द सोसाइटी, ठीक है, तो बी क्वेश्चन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी, तो 93 नंबर क्वेश्चन पढ़ो स्टूडेंट। हाँ जी, कहता है मैच करना है लिस्ट वन और लिस्ट टू को, लू, काल बैसाखी, मैंगो शावर, विंटर रेनफॉल। अब आप इसको करेक्ट कीजिए, वो कीजिए, आप इसको मैच कीजिए। तो सी हियर स्टूडेंट, काल बैसाखी इज रिलेटेड टू वेस्ट बंगाल, ठीक है, मैंगो शावर इज रिलेटेड टू केरला, केरला के अंदर जब प्री मानसून जब शावर्स आते हैं तो उस टाइम पे मैंगो राइपनिंग होती है, तो इसलिए वहाँ पे मैंगो शावर्स बोला जाता है। विंटर रेनफॉल कहाँ पे होती है स्टूडेंट, राजस्थान के अंदर, ये पता ही आपको कि नॉर्थ इंडिया के अंदर होता है, राइट। तो हाँ जी, तो 93 का करेक्ट ऑप्शन क्या बना, यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन बचा बना, ठीक है, तो लू इज रिलेटेड टू राजस्थान, सॉरी सॉरी स्टूडेंट, सॉरी सॉरी सॉरी, लू इज रिलेटेड टू राजस्थान, विंटर रेनफॉल इज रिलेटेड टू तमिलनाडु, ठीक है, सर्दियों में जो बारिश होती है अक्टूबर नवंबर के मंथ में, दैट इज इन तमिलनाडु, ठीक है जी, ड्यू टू द नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास यहाँ पे ए, ठीक है जी। तो मैं दोबारा से बता देती हूँ एक बार फिर से, लू इज रिलेटेड टू राजस्थान, राजस्थान के अंदर नॉर्थ इंडिया के अंदर यू नो गर्म हवा चलती है मई के मंथ में, ठीक है, तो उसको हम लू बोलते हैं। काल वैशाखी इज रिलेटेड टू वेस्ट बंगाल, ठीक है, मैंगो शावर इज रिलेटेड टू केरला, क्योंकि वहाँ पे प्री मानसून शावर आते हैं जिसकी वजह से मैंगो यहाँ वहाँ पे क्या हो जाते हैं, राइप हो जाता जल्दी से, पक जाता है, ठीक है। विंटर रेनफॉल इज रिलेटेड टू तमिलनाडु ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट मानसून, देखो ये दिस इज अवर इंडिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है नॉर्थ ईस्ट से इस तरीके से विंड्स चलती हैं, इधर वाली साइड सर्दियों में वापस से जाती हैं किसकी तरफ, सी की तरफ, ठीक है, तो ऐसे जब वापस जाती हो तो नीचे हमारे क्या होता है स्टूडेंट, तमिलनाडु है यहाँ पे, वहाँ पे बारिश होती है उस टाइम पे, ठीक है, जिसको हम विंटर रेनफॉल कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए दिस वन, ठीक है। हाँ जी, तो 94 नंबर क्वेश्चन पढ़ो स्टूडेंट यहाँ पे। द एरिया फॉर विच लैंड यूज क्लासिफिकेशन डेटा कैन बी ऑब्टेन्ड इज व्हाट, बताओ, द एरिया फॉर विच लैंड यूज क्लासिफिकेशन डेटा कैन बी ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड रिपोर्टिंग एरिया, इज कॉल्ड रिपोर्टिंग एरिया, ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट है स्टूडेंट, सन ट्रांसवर्सेस 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एवरी व्हाट, ठीक है, तो सी हियर स्टूडेंट, देखो दिस इज अवर अर्थ, ठीक है, अगर आप यहाँ से एक ऐसे पूरा चक्कर लगाओ तो कितने का चक्कर लगाओगे, 360 का, ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो हमारे लाइंस हैं इस तरीके से, टोटल हमारी कितनी लाइंस हैं स्टूडेंट, ऐसे करके पूरी अर्थ पे अगर आप लाइन बनाओगे इस तरीके से तो 360, ठीक है, तो 1 डिग्री घूमने में, 1 डिग्री जब अर्थ रोटेट करती है इस तरीके से, 1 डिग्री रोटेट करती है, तो उसमें वो टाइम लेती है स्टूडेंट 4 मिनट, कितने लेती है 4 मिनट, ठीक है, क्योंकि एक दिन में कितने हमारे पास आवर होते हैं 24 आवर, 360 घूमना है तो उसको डिवाइड कर दो आप यहाँ पे, ठीक है, तो ठीक है, तो 4 मिनट यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास 4 मिनट, ठीक है, तो 1 डिग्री जब हमारी अर्थ रोटेट करती है इस तरीके से, हमारी अर्थ जो है जब 1 डिग्री रोटेट करती है तो कितना टाइम लेती है 4 मिनट लेती है, ठीक है, तो अब आप कैलकुलेट कर लो 360 में कितना लेगी वो, ठीक है, तो कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे टाइम, ठीक है जी, ओके। तो सन ट्रांसवर्सेस 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड एवरी 4 मिनट, ओके जी। हाँ जी, तो 96 नंबर क्वेश्चन पढ़ो आप। हाँ जी, कहता है अज्यूमिंग दैट द अर्थ इज ए परफेक्ट स्फीयर 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, अब इसने 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड की बात की है, 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड वुड कवर अप्रोक्सीमेटली हाउ मच डिस्टेंस ऑन द अर्थ, अगर 1 डिग्री हमारा लैटिट्यूड, सी हियर स्टूडेंट, वो तो था हमारा लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड कैसा होता है, जो हमारी हॉरिजोंटल लाइन्स है, हॉरिजोंटल लाइन्स है इस तरीके से, ठीक है, हॉरिजोंटल लाइन्स है, ये टोटल कितनी लाइन्स है स्टूडेंट, ये टोटल लाइन्स है 181 लाइन्स है स्टूडेंट हमारी, ठीक है, ऊपर 90, नीचे 90 और एक हमारा इक्वेटर, और एक हमारा इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है,
तो अगर सेंटर से स्टूडेंट एक डिग्री जब हमारी अर्थ इस तरीके से रोटेट करती, यहाँ पे सेंटर से ये हमारी अर्थ का सेंटर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये हमारा इक्वेटर के ऊपर एक लाइन है, ठीक है, जब वो एक डिग्री इस तरीके से रोटेट करती है या ऊपर जाएगी एक डिग्री, ठीक है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो डिस्टेंस कवर करती है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर वो अप्रोक्सीमेटली जो है डिस्टेंस कवर करती है, मतलब एक डिग्री अर्थ जो है यहाँ पे, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करती है, 111, ठीक है जी। जैसे ये हमारा 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे इक्वेटर है ना, तो 1 डिग्री यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज द 111 किलोमीटर, ठीक है जी। तो इस तरीके से 111111111 ऐसे करते 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 अर्थ जो है वो कितने पे पहुंच जाती है, 90 डिग्री पे पहुंच जाती है, कितने पे पहुंच जाती है, 90 डिग्री पे पहुंच जाती है, ठीक है जी। ओके, हाँ जी, तो 97 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कीजिए, सॉरी। फैक्चुअल क्वेश्चन है स्टूडेंट वर्ल्ड हिस्ट्री से, तो आप बताइए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा। तो कहता है यूएस पैसिफिक फ्लीट साउथ एशिया, यूएस अटलांटिक फ्लीट, यूएस सेवन फ्लीट, यूएस पैसिफिक फ्लीट साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ठीक है। तो द अटैक ऑन पर्ल हार्बर बाय जापान, जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक किया था, और पर्ल हार्बर किसका था, यूएसए का, ठीक है। न्यूट्रलाइजिंग करना था किसको, यूएस पैसिफिक फ्लीट को, साउथ ईस्ट एशिया को, एंड प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन जापान्स मिलिट्री ऑपरेशन इन यूएस पैसिफिक फ्लीट, कहाँ पे, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, यहाँ पे आएगा साउथ ईस्ट एशिया और ऊपर आएगा साउथ पैसिफिक फ्लीट, ठीक है, हाँ जी। तो 98 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू द क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ वीट, ठीक है, वीट को लेकर कल्टीवेशन की कौन सी चीज ट्रू नहीं है, ये पूछा है, ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू पूछा स्टूडेंट। पहला, इट रिक्वायर्स ए कूल ग्रोइंग सीजन, बिल्कुल अभी आप देखो ठंडा है इस टाइम पे, और हम क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं किसको, वीट को ग्रो कर रहे हैं, है ना। इट रिक्वायर्स ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, बिल्कुल मार्च अप्रैल में आप देखो थोड़ी गर्मी बढ़ जाती है, सनशाइन बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा वीट है वो पककर रेडी हो जाते हैं। कहता है इट रिक्वायर्स मोर देन 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, नहीं, इट कैन बी ग्रोन इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, नहीं बच्चे, साउथ इंडिया के अंदर वीट नहीं ग्रो हो सकती क्योंकि वहां पे सर्दी पड़ती ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन करेक्ट क्या होगा स्टूडेंट, ओनली 1 एंड 2, ठीक है जी, ओनली 1 एंड 2, मिसाइल, ठीक है, ये उस टाइम का करंट अफेयर है स्टूडेंट, 2015 का। तो क्या ऑप्शन बनेगा इसमें स्टूडेंट, कहता बराक हैज बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया एंड इजराइल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है स्टूडेंट ये, ठीक है। ओहो, हाँ जी, तो बराक हैज बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया एंड इजराइल, बिल्कुल, इट इज अ सरफेस टू सरफेस, नहीं, इट हैज अ रेंज ऑफ 80 किलोमीटर, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, तो 1 एंड 3 ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, इट इज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। तो बराक एयर 8 जो है वो हमारी इंडिया और इजराइल ने मेजरली डेवलप की थी, इट हैज रेंज ऑफ 80 किलोमीटर एंड राइट, सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता, इनकरेक्ट है, ठीक है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं स्टूडेंट आज का, तो पढ़िए स्टूडेंट फटाफट से क्वेश्चन को। कहता है इन ईस्टर्न यूरोप आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल टू नेशनल यूनिटी इन मेनी नेशन स्टेट्स वाज द व्हाट,
तो बताइए फिर 100 का करेक्ट ऑप्शन। पढ़ लो बेटा एक बार, पढ़ लो आप ध्यान से। हाँ जी तो ईस्टर्न यूरोप जो है वहां पे मेन जो प्रॉब्लम थी स्टूडेंट वो थी हमारी ग्रेट एथनिक डाइवर्सिटी इन दिस रीजन। अगर आप यूरोप को ध्यान से देखो ना स्टूडेंट, इस तरीके से यूरोप को ध्यान से देखो तो जो ईस्टर्न यूरोप है राइट, वहां पे क्या है ग्रेट एथनिक डाइवर्सिटी है इस रीजन के अंदर, इसलिए वहां पे क्या है ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल था ये नेशनल यूनिटी। अगर आज भी आप ईस्टर्न यूरोप देखो तो बहुत छोटी 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 इतनी सारी कंट्रीज हैं कि आपको इवन नाम भी नहीं पता चलेगा उसका, ठीक है, इवन उसका नाम भी इवन आपको क्या नहीं होगा पता भी नहीं चलेगा आपको, ठीक है, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी कंट्री कहाँ पे यू नो खत्म होगी उसकी बाउंड्री, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो इसी के साथ स्टूडेंट हमारा 2015 का यहाँ पे यू नो पेपर ख़त्म हो जाता है राइट। तो हम जो है वो नेक्स्ट पेपर कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारा 2018 का है तो उसको हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ स्टूडेंट हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 21 नवंबर से, इट मीन कल से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है फॉर द पंजाब सिविल सर्विसेज। और जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं इन पंजाब सिविल सर्विसेज और उनको अपना ड्रीम पूरा करना है या गोल पूरा करना है फॉर पंजाब सिविल सर्विसेज के लिए और उनको ऑफिसर बनना है, ठीक है, इन पंजाब, सो आप फटाफट से रजिस्ट्रेशन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।